प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं हम कि परमेश्वर ने हमको अब तक संभाल के रखा है और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम सब भाई बहनों को दिया है कि हम सब प्रभु की संगति में आ सकें और प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ सकें। ये हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब आनंदित है और अपने आनंद में आनंदित है कि परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब भाई बहन तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपकी संगति को हासिल करने के लिए हम तैयार हैं और आपके वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं ये सुंदर रोटी जो आज आपने आज दस्तरखान बिछाया है हमारे लिए, उस रोटी को खा सकें सब भाई बहन मिल करके, ताकि उस गहरी बातों को जो आज की रात तू रिवील करने जा रहा है प्रभु, उन बातों को सीख सकें। बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यशोजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीष भाई, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे भैया आपको और खुदा अपने अनुग्रह में रखे, और आपने इस समय को दिया है इसकी एवज में परमेश्वर आपको लाखों गुना आशीष और बरकत देगा। और हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु की संगति के लिए, जितना हम प्रभु के लिए हमारी भूख होगी, हम उतना आगे आगे बढ़ सकेंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने अपने परमेश्वर को जो समय हम देते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बहुत बरकत दे आपको, आपके परिवार को। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, इच्छा है कि एक छोटे से गीत को प्रार्थना के रूप में हम गा सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहुत अच्छी राग नहीं है, लेकिन परमेश्वर राग को और गले की आवाज को नहीं सुनता, परमेश्वर हृदय की बातों को सुनता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जबकि आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 15वें पद से। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि बड़े भोज का दृष्टांत दिया गया है। किसका दृष्टांत दिया गया है? बड़े भोज का। प्रेज द लॉर्ड। और उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपनी मेज में से, हालेलुया, अपनी मेज में से हमें रोज वचन की रोटी खाने को देता है। इसके लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सच में
लिखा है धन्य है वो, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। मैं और आप धन्य है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के राज्य में रोज रोटी खाते हैं। परमेश्वर के राज्य में हम रोज रोटी खाते हैं, हालेलुया। और लिखा है कि 16 पद में उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप जानते हैं कि हम, मैं और आप जब अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई बड़ी जेवनार करते हैं, तो हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। हम अपनी खुशी में क्या करते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय जोसेफ साहब, जय मसीह की। पास्टर साहब बहुत बहुत प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और आप जब पेज पर आते हैं तो हम बड़े आनंदित होते हैं इस बात के लिए। जय मसीह की सर, जय मसीह की। और लिखा है उसने उन्हें बहुतों को बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हम जब किसी प्रोग्राम को करते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को निमंत्रित करते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब हम निमंत्रण देने जाते हैं तो बड़ा एक्सेप्ट करते हैं कि अरे हम आएंगे आएंगे, लेकिन वो उसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उसको सोचते हैं अरे क्या जरूरत है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपको कोई निमंत्रित करता है अपने यहां, तो ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है कि उसने अपनी इस खुशी में मुझे और आपको क्या करा है, शामिल किया है, मुझे और आपको शामिल किया। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग बड़ी लापरवाही दिखाते हैं, मतलब उस चीजों को कोई जिसे हम कहते हैं कि कोई उसको आदर देना चाहिए, जब कोई हमें बुलाता है तो लोग उसके आदर को नहीं समझते। प्रेज द लॉर्ड। और 17 पद में लिखा, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ निमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कोई जेवनार की जाती है या कोई दावतनामा दिया जाता है, और जैसे जितने हम लोगों को निमंत्रित करते हैं, उससे ज्यादा खाने को क्या करते हैं, बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी इस मनुष्य ने भोजन तैयार किया और अपने दासों को, जब हमने देखा कि लोग नहीं आए तो उसने अपने दासों को भेजा और उनको क्या करा, निमंत्रण दिया, उनको क्या करा, निमंत्रण दिया। मेरे प्रियो, मेरा एक मानना है, और मैं और मेरा परिवार, जब मुझे कोई इनवाइट करता है किसी भी, चाहे कोई सा भी उसका प्रोग्राम रहा हो, मैं उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूं और हर हालात में कोशिश करता हूं कि मैं उनके प्रोग्राम्स में जाऊं, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझको आदर दिया है। क्या दिया है? मुझको आदर दिया है, अपनी खुशी में शामिल किया है, और मेरे लिए अपने जो भोजन तैयार किया गया उसमें मेरे परिवार को गिना गया है, उसमें उस भोजन को बनाया गया है मेरे और आपकी मेरे परिवार के लिए। तो मैं इस बात की, मेरे प्रिय, बहुत तवज्जो देता हूं, बहुत इस बात को मैं ध्यान करता हूं कि नहीं, जिसने हमें निमंत्रित किया हम उसके लिए जरूर उसके पास जाएं, हालेलुया। लेकिन आज के व्यक्तियों के प्रेम और आदर नहीं है मेरे प्रियो, वो परवाह ही नहीं करते इस बात की। और हम देखते हैं बहुत से लोग उसको, उस निमंत्रण को उसको अवॉइड कर देते हैं, अरे ठीक है बस चले जाएंगे, जरूरी तो नहीं है कि हम जाएं। लेकिन हमारा, मेरा और मेरे परिवार का ये मानना है, किसी ने निमंत्रित किया है तो हम जरूर उसके निमंत्रण को आदर दें और जरूर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां भी हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने निमंत्रित किया है, लोगों को बुलाया और दासों के हाथ आमंत्रण को भेज दिया है और कहा कि अब भोजन तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, हम रोज रोज क्या करते हैं, हम रोज यहां पर मेज बिछाते हैं। किसकी मेज बिछाते हैं? आत्मिक भोजन के लिए, वचन की रोटी को तोड़ने के लिए। मैं सब आप भाई बहनों के साथ वचन की रोटी को तोड़ने के लिए यहां पर आमंत्रित करता हूं, आगरा मसीह मंडली
पेज हमें आमंत्रित करता और हम सब भाई बहन मिलकर के बड़ी खुशी के साथ उस वचन की रोटी को तोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है, और वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। अब यहां पर एक चीज देखने की ये है मेरे प्रियो, निमंत्रण तो दिया गया, निमंत्रण तो पहुंचाया गया, सारा कुछ तैयार हो गया, और वो क्या हुआ कि लोगों ने उस निमंत्रण को के लिए वो क्षमा मांगने लगे। अरे भाई हम तो नहीं आ पाएंगे। और लिखा है कि पर सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। क्या लिया है? खेत मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने चीज तो ली, उसने खेत लिया था, और उस खेत को देखने के लिए अवश्य कि मैं देखूं और तुझसे विनती करता कि मुझे क्षमा कर दे। उसने पहले ने विनती मांग ली कि नहीं, अरे मुझे क्षमा कर दो कि मैं इसमें नहीं आ सकता क्योंकि मैंने खेत खरीदे। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ? और दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए। क्या लिए? 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कहा कि मैंने क्या करा है, मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं और मैं उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। यहां पर इन दोनों व्यक्तियों ने उस निमंत्रण को, जो व्यक्ति ने उसको निमंत्रण दिया था, उसको अवॉइड कर दिया, उसको कोई ध्यान नहीं दिया। और उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। अब जिन जिन को निमंत्रित किया गया था और उनके पास जब निमंत्रण किया गया और भेजा गया दासों को, तो क्या हुआ, उन्होंने उस बात को तवज्जो ही नहीं दी, उसको ध्यान ही नहीं करा और कोई उस पर ध्यान नहीं करा। लेकिन मेरे प्रियो, हर रविवार को, प्रेज द लॉर्ड, हर रविवार को खुदा निमंत्रण भेजता है मुझे और आपको। रोज वो निमंत्रण क्या है, वो चर्च का घंटा रोज बजता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड श्री डेविड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु बहुत आशीष दे, हालेलुया। और वो कहता है, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी जय मसीह की, क्या कहता है कि रोज रविवार को 8 बजे या जो भी जिस जगह पर चर्च का समय, वहां वो घंटे बजाकर निमंत्रण दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, क्या दिया जाता है? निमंत्रण दिया जाता है, आओ मेरे घर में और बदन और लहू को लो मेरे, प्रभु भोज में शामिल हो। प्रेज द लॉर्ड, वचन की रोटी को तोड़ो। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती। और क्या होता है कि चर्च के घंटे लगातार बजते रहते हैं, लेकिन लोग उन घंटों को अवॉइड कर देते हैं। उन्हें उन घंटों से कोई मतलब नहीं, रविवार से उन्हें कोई मतलब नहीं। उनका कहना यह है, क्या रविवार तो आता रहता है, अरे हम भी तो पूरे सप्ताह काम करते हैं, अपनी नौकरियों पर जाते हैं, हम कैसे करें, बड़ा मुश्किल होता है। एक दिन तो हमारे जीवन में मिलता है कि हम क्या करें, आराम कर सके। मेरे प्रियो, लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? प्रेज द लॉर्ड, जबूर 30:9 कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मेरे प्रियो, मैं और आप जो इस समय जीवित हैं, वही लोग, प्रेज द लॉर्ड, वही लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जो मृत हो जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, फिर मेरे और आपके पास चांस नहीं होगा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे सकूं, या आप धन्यवाद दे सके, या उसका गुणानुवाद कर सके। या तो प्रभु यीशु मसीह आ गया या हम चले गए, तो हम कुछ गुणानुवाद नहीं कर सके। प्रेज द लॉर्ड। अरुण लॉन्गसन सर, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि 5 जोड़े बैल लिए हैं और मुझे क्षमा कर दे। अब ये बात जब उस मैंने सुनी तो उसने, उसको बड़ा वो हुआ, व्यक्ति को दुख हुआ, और उसने कुछ और बात कही। प्रेज द लॉर्ड। उसने, देखिए, मेरे और आपके जीवन में हर रविवार को, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की,
हमें हर रविवार को मौका परमेश्वर देता है, आमंत्रण करता है, लेकिन मैं और आप कह देते हैं आज हमें कपड़े धोने हैं, आज हमें बहुत का जरूरी काम है, और हम मुंह मोड़ करके परमेश्वर की पवित्र हैकल की तरफ से मुंह मोड़ कर हम क्या होते हैं, चले जाते हैं। हम परमेश्वर की वाणी को सुनना पसंद नहीं करते, उन घंटों को जो चर्च की वॉइस चर्च की में निमंत्रण के लिए बुलाए जाते हैं, वो निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। और हम थैला लेके सब्जी मंडी चले जाते हैं, क्या लिख गए, थैला लेके सब्जी मंडी चले जाते हैं, वहां चर्च का घंटा बज रहा है, वहां आपको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप आइए और वचन की रोटी को तोड़िए, और हम क्या करते हैं, हम बैग उठा करके, मैं कंपाउंडों के हाल बता रहा हूं मेरे प्रियो, यही हालात हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी मैं फरीदाबाद में था मेरे प्रियो, और वहां पर चर्च कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर है। हालेलुया। हो सकता है कि 5 किलोमीटर भी हो सकता है, मैं अभी क्योंकि घर दूर है, हम जहां गए थे हमारे भाई के घर पे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं चाहे बाहर कहीं हो, मेरा परिवार, हम अगर कहीं घूमने भी जा रहे हैं, मैं गवाही आपको इसलिए साथ साथ देता जाता हूं कि क्योंकि हर गवाही हमारे जीवन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं जहां कहीं घूमने भी गया तो हम घूमने के समय अगर रविवार आया है बीच में तो हमारा फर्ज है, हमारी आदत में शामिल है कि हम आने का समय चर्च के बाद निकालेंगे, पहले चर्च जाएंगे उसके बाद हम कहीं घूमने जाएं या हम घर वापस आए। और इस संडे को हम फरीदाबाद में थे मेरे प्रियो, और फरीदाबाद में हमने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वहां पहुंचे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि अगर प्रभुवार को या प्रभु के दिन को मैं और आप मान्यता नहीं देते तो आप समझ लीजिए कि हमारे दिन में, हमारे जीवन में वो काम जो हम करना चाहेंगे दिन में पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को समय देना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है, प्रेज द लॉर्ड। और हुआ ये कि मेरे प्रियो उस स्वामी ने, उस दास ने आकर स्वामी को ये बातें कह सुनाई, अरे उसने क्षमा मांग ली, वो नहीं आया, ये नहीं आया, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, हम परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते, हम क्षमा किससे मांगते हैं, पादरी साहब हम आ नहीं पाए, पादरी साहब बड़े बिजी थे, हम पादरी साहब की कोई मदद नहीं है, पादरी साहब हैं कौन, नहीं आओगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आ जाओगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पादरी साहब का कोई रोल नहीं है आपके उसमें, आप उनसे क्षमा मांग रहे हैं या आप उनसे कह रहे हैं, तो कोई रोल नहीं है पादरी का। सुन लीजिए बात, आपको आपको और मुझे किससे क्षमा मांगनी है, क्षमा मांगनी है अपने खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगने के, प्रभु मैंने ऐसे समय नहीं निकाला। पादरी से डरते हैं लेकिन खुदा से नहीं डरते लोग। मैंने देखा है कि लोग जो है वचन को सुना और सीधे बाहर निकल आ गए, या प्रभु बोझ को लिया और सीधे निकल आए, हम देखते हैं मेरे प्रियो, और बाहर आके गप्पे लड़ाते हैं, तमाम गंदे गंदे मजाक करते हैं, ये आपकी पहचान है, ये आपका जीवन है, आप आए बाहर से और सिगरेटें पीने लगे, एक मिनट सिगरेट के बिना नहीं रह पा रहे, गुटके के बगैर नहीं रह पा रहे, मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो ये बात मुझे और आपको समझनी है, जो भाई बहन इस तरीके के उनसे दूर रहना है, उनसे दूर रहना है, समझाइए, समझ जाए ठीक है, नहीं समझते तो आप उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन के द्वारा आपका जीवन भी भ्रष्ट हो सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो समझाना जरूरी है, एक बार समझा दिया ठीक है, नहीं सुनते आप उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 8:1 उसका 28 पद कहता है, क्या कहता है, जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाह, क्या लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाह तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मेपन पर उनको छोड़ दिया, तो परमेश्वर भी उनके निकम्मेपन पर उनको छोड़ देता है जो लोग सुधरना नहीं चाहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर देखते हैं, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर
आकर दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को ले आओ। क्या कहा? जाओ, अंधों को, लंगड़ों को, टुंडों को, कंगालों को यहां पर ले आओ, ताकि जो जेवनार तैयार की गई है उस जेवनार को खाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज अन्य विश्वास के लोग क्यों खुदा में आगे बढ़ गए, और जो मसीही लोग हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल के, वो खुदा को जानते नहीं, खुदा को पहचानते नहीं, खुदा की बातों को नहीं जानते। क्यों उनका जीवन नारकीय बना है? इसलिए कि वो परमेश्वर के स्थान को, परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर के दिन को वो कोई तवज्जो नहीं देते। मेरे प्रियो, क्यों अन्य विश्वास, क्यों सिंधी परिवार से आया हुआ व्यक्ति बहुत जबरदस्त प्रचार करता है, क्यों मुस्लिम जीवन में से आया हुआ व्यक्ति क्यों परमेश्वर के वचन को बहुत जबरदस्त तरीके से पेश करता है, क्यों जो 40 साल 50 साल के मसीह लोग हैं वो खुदा के वचन को कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या होगा, कैसे वो वचन क्या है। और जो अन्य विश्वास से आए हुए भाई बहन हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो लोग कहां पहुंच गए, कितना बेहतरीन प्रचार कर रहे हैं, उनके जीवन से यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे आदरणीय प्रचारक ब्रदर सूरज प्रेमानी, अन्य विश्वास से आए हुआ व्यक्ति, 19 साल, 20 साल, ज्यादा ज्यादा उनको प्रभु में आए हुआ है, लेकिन प्रभु के वचन को लोगों पर को सुना रहे हैं, और लोग चर्चेस खोल रहे हैं उनके, और लोग सुन रहे हैं प्रभु के वचन को उनके द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आगरा में उनको बुलाया था पिछले वर्ष 2023 में, और 2024 में 27, 28 और 29 नवंबर को आगरा वो आ रहे हैं, फिर से मीटिंग होगी, और आगरा मसीह मंडली ने उनको इनवाइट किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों अन्य विश्वास के भाई जो 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से आए हुए, वो मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छा प्रचार करते हैं, मुझसे और आपसे ज्यादा अन्य विश्वास में। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा, अगर तुम नहीं करोगे, ए मसीहो, तुम नहीं करोगे तो सुन लो क्या होगा, कि अन्य जाति के लोग आकर के तेरे मेरा कलाम पेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो वो आगे निकल रहे हैं। क्यों हम तो उन तक नहीं पहुंच पा रहे? क्यों आज 40 साल का व्यक्ति कहता है, 50 साल का व्यक्ति कहता है, 60 साल का व्यक्ति कहता है, मुझे खुदा के वचन में समझ में नहीं आता, क्या करूं, कैसे होगा, पढ़ता तो हूं पर समझ नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदा महान पिता परमेश्वर, अगर तुम नहीं सुनोगे, अगर मैं नहीं सुनूंगा, अगर आप नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, अन्य विश्वास के लोग आकर के प्रभु के कलाम को बताएंगे और आनंद के साथ सुनाएंगे, क्योंकि वो खुदा ने उनको चुन के बुलाया। यहां भी तो देख रहे हैं, अंधो, लंगड़ो, कंगालो, टुंडो सबको ले आया, और कहा, दास ने फिर कहा कि हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे किया गया। हालेलुया। मैं और आप आते हैं, हालेलुया, अन्य विश्वास के भाई बहन पहुंचे और वो ज्यादा बढ़िया प्रचार कर रहे हैं। देख रहे ना, यूट्यूब पर उठा के देखिए, तमाम, कोई सिंधी है, कोई अन्य विश्वास का है, कोई मुस्लिम है, तमाम तरीके के लोग जो है आकर के हमसे ज्यादा अच्छी गवाही दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के समय को, परमेश्वर के नाम को और उस पवित्र कलाम को तवज्जो ही नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, दास ने कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया गया, और फिर भी जगह है। अब वो कहता है कि फिर भी जगह है, फिर भी जगह है। हालेलुया। यानी मेरे और आपके लिए मौका है कि प्रभु का वचन, हम उस बात को याद करें, उन 5 कुंवारियों को जो समझदार थी, वो दूल्हे के साथ कहां चली गई, अंदर चली गई। हालेलुया, एंटर कर गई। मैं और आप बाहर रह गए, वो मूर्ख कुंवारियां, वो 5 मूर्ख कुंवारियां कहां रह गई, उस दूल्हे के, उस विवाह के घर से बाहर हो गई। वो स्वर्ग का दरवाजे की बात की जा रही है मेरे प्रियो, वो स्वर्ग की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों और बाड़ों की ओर से और लोगों को विवश करके ले आओ,
ताकि मेरा घर भर जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं देखता हूं कि आगरा शहर में सिंधियों के सिंधी पास्टर्स हैं, उनके चर्च है, हालेलुया, भरे हुए चर्च है। क्यों? मेन लाइन चर्च खाली है, क्योंकि वहां उनको, वहां वो लोग, सब कुछ है उनके पास, वो सब आराम कर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु ने कहा कि तुमने अगर मुझे ध्यान नहीं दिया तो मेरे भोजन में से चख ना सकोगे, यानी मुझ में मुझे पा ना सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मुझे और आपको परमेश्वर को स्थान देना है। ये बड़ा भोज और कोई नहीं है, ये बड़े भोज में जो लोग हैं वो मैं और आप हैं, जो अंधे लंगड़े और टुंडे लोग हैं वो हैं अन्य विश्वास के लोग। प्रेज द लॉर्ड। बाइबिल हमें ऐसी चीजों को समझाती है मेरे प्रियो, और बड़ी सरलता के साथ बताती है। और इस बाइबिल में सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर ने जो किया वो बताता है, जो करने जा रहा वो भी बता रहा, जो हो चुका उसे भी बता चुका। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे इस पवित्र कलाम में है, ये रूबरू कराता है हमको। तो मेरे प्रियो, ये बड़ा भोज रोज लगता है आगरा मसीह मंडली पेज पर, रोज भोजन हो रहा है। शाम को 7 बजे सैमुअल स्टैनली साहब डेली आते हैं प्रभु के वचन को लेकर के। 8 से 9 हमारे और बहन भाई आते हैं, और मेरे प्रियो और भी जो भाई बहन आना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हिमांशु भैया, जय मसीह की, ये मेरे छोटे भाई हैं और जो मथुरा में रहते हैं, और इनका इनका भी बहुत पेज है उस पे, ये पेज को चलाते हैं, प्रभु के वचन को शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रभु बहुत आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, और विश्वास मानिए कि जब हम मिलके प्रार्थना करेंगे खुदा और बातों को मुझ पे और आप पर भी रिवील करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो हम पर किया है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन है, प्रभु जी हर एक को आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए, ताकि हर एक भाई बहन प्रभु तेरी ओर बढ़े, तेरे प्रेम को पा सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो वचन की रोटी हमने मिलके थोड़ी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, बहुत से भाई बहन बीमार हैं खुदावन, बहुत से लोग किसी और परेशानी में गिरफ्त हैं। खुदावन तुझसे विनती करता हूँ प्यारे प्रभु कि सबको चंगाई देना। खुदावन दया कीजिए। खुदावन आपने हमें भी इस्तेमाल किया, यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल थर्सडे है, शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन प्रभु के वचन को लेके आएंगी, और 10 से 10:30 हम सब भाई बहन मिलेंगे प्रभु के वचन में, मिलकर के रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की। और आप हमारे लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि रोज प्रभु के वचन की रोटी को हम सब मिलकर तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया।